हेलो एवरीवन, आज की कविता है मीरा। इसमें प्रथम पद है, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। यानी कि मीरा कहती है कि मेरा तो गिरधर है, यानी जिसने पर्वत को अपने हाथ में उठा लिया था, मेरा तो वही है, उसके अलावा और कोई इस दुनिया में नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, यानी कि जिसके सिर पर मोर पंख वाला मुकुट सज रहा है, मेरो पति सोई, वह मेरा पति है। छाड़ी दई कुल की कानी कहा करी है कोई, कुल की कानी यानी कुल की लाज या मर्यादा, छाड़ी दे यानी छोड़ दी। मीराबाई कहती है कि मैंने अपनी कुल की मर्यादा को छोड़ दिया है और कुल की मर्यादा को छोड़ करके कृष्ण भगवान को अपने पति के रूप में मान लिया है। इसमें कोई मेरा क्या कर सकता है। और इस प्रकार वह अपने प्रेम का बेबाक वर्णन करती है। वह कहती है कि भगवान को छोड़कर माता पिता भाई रिश्तेदार कोई भी मेरा अपना नहीं है। संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, ढिग यानी पास, बैठी बैठी यानी बैठ बैठ कर, संतों के पास बैठ बैठ कर मैंने अपनी लोक लाज जो थी, मेरी कुल की प्रतिष्ठा जो थी, वो मैंने खो दी है और अब तो मोर मुकुटधारी ही मेरा पति है। जो मेरी समाज में मर्यादा थी, लोक लाज थी, लोग मेरा सम्मान करते थे, वो मैंने संतों के पास बैठ बैठ कर खो दिया है। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, यानी कि आंसुओं के जल से सींच सींच कर मैंने यह प्रेम की बेल जो है बहुत ही मुश्किल से उगाई है, बोई है। तब तबेली फैल गई आनंद फल हुई, अब तक तो यह बेल फैल करके बहुत बड़ी हो गई है और अब तो इस पर आनंद रूपी फल भी लगने लगे हैं। अर्थात मैंने रो रो कर कृष्ण का प्रेम प्राप्त किया है और इसके प्रेम के जो बेल है उसको मैंने अपने मन में धारण कर लिया है और अब मुझे इस प्रेम में इतना आनंद आने लग गया है कि अब इसमें आनंद के फल लगने लगे हैं। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, वह कहती हैं कि जिस प्रकार से दूध में मथानी से माखन निकाला जाता है, उसी प्रकार मैंने बहुत कष्ट उठा करके और यह प्रेम का जो दूध है, दूध में मथानी डालकर मैंने बड़े प्रेम से बिलोया है और उसमें से मैंने माखन को निकाल लिया है। दधि मथि घृत काढ़ी लियो, दधि यानी दही, मथि यानी मथकर या बिलोकर, घृत यानी घी, काढ़ी लियो यानी काढ़ लिया है, दही को बिलोकर के मैंने घी काढ़ लिया है। डारी दही छोई, यानी कि छाछ को मैंने फेंक दिया है। डारी यानी फेंकना, दही यानी दिया, छोई यानी छाछ, जो छाछ बच गई थी यानी सारहीन जो चीज़ बच गई थी, अब उसमें कुछ सार तो था नहीं, इसलिए मैंने उसे फेंक दिया है। उसी प्रकार से मैंने यानी प्रेम तो मैंने अपना मक्खन की तरह निकाल लिया है और संसार जो था वो छाछ की तरह है, जिसे मैंने त्याग दिया है। मीराबाई यह कहना चाहती हैं कि मैंने सारे संसार को त्याग दिया है और माखन की तरह कृष्ण का प्रेम जो था वह मैंने प्राप्त कर लिया है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, मैं तो जब कृष्ण के भक्तों को देखती हूँ तो मैं बहुत खुश होती हूँ और जगत को देख करके मुझे रोना आता है। क्यों? क्योंकि पूरा संसार जो है सांसारिकता के जाल में फंसा हुआ है और उसे देख करके मैं रोती हूँ, लेकिन जो भक्त
भक्ति करते हैं उन्हें देख करके मैं बहुत खुश होती हूँ। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोहे, वो कहती है कि हे गिरिधारी कृष्ण, मैं आपकी सेवा में हूँ, सेविका हूँ, अब मेरा उद्धार करो, यानी मुझे अब संसार से मोक्ष दो और मुझे अब और प्रतीक्षा मत करवाओ। तारो मतलब मुझे संसार से पार करो, मेरा उद्धार करो। इस प्रकार से यह पद्यांश जो है कृष्ण की दीवानी मीराबाई के द्वारा लिखा गया था और इसमें उनकी अनन्य भक्ति की जो भावना है वह प्रकट होती है। आप देख सकते हैं कि मीरा का कृष्ण के प्रति प्रेम जो है वो पूरी तरह से उन्हें समर्पित है, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी कुल की मर्यादा का भी ध्यान नहीं किया। साथ ही इसमें संसार की निस्सारता यानी सारहीन है संसार, यह भी बताया है। प्रेम बल आनंद फल इनमें रूपक अलंकार है। और गिरधर गोपाल मोर मुकुट कुल की कानी कहा कर है कोई, इनमें सब में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। बैठी बैठी सींची सींची में पुनरुक्ति, पुनरुक्ति में एक ही शब्द का दो बार प्रयोग होता है। और भक्ति रस की और शांत रस की इसमें मिली जुली अभिव्यक्ति आपको देखने को मिलेगी। इसका दूसरा पद है पग घुंघरू बांध मीरा नाची। मीरा जी कह रही हैं उन्होंने इस पद को रचित किया है और इसमें भी उनकी भक्ति है, अनन्य भक्ति है। और वो कहती हैं कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची, कि हे प्रभु मैं तुम्हारी दासी हूँ और मैंने अपने पगों में घुंघरू बांध लिए हैं, पैरों में घुंघरू बांध लिए हैं और मैं आपके प्रेम में नाच उठी हूँ, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। अब सारी दुनिया जो है मुझे इस प्रेम के खुले दृश्य को और मुझे देख ले और सुन ले कि मैं तो किस प्रकार से मेरे नारायण से जुड़ गई हूँ और अपने आप ही सच्ची हो गई हूँ। सच्ची यानी मैं सच हूँ। लोग कहें मीरा भाई बावरी, लोग कह रहे हैं कि मीरा बावरी हो गई है यानी पागल हो गई है। न्यात कहे कुलनासी, कुटुंब के लोग, न्यात यानी कुटुंब के लोग कह रहे हैं कि यह तो कुल का नाश करने वाली है, कुल घातिनी है, कुल कलंकिनी है, जिसने कुल का नाश कर दिया है। क्योंकि लोग कुछ अनाप शनाप उनके बारे में बोलने लगे थे, इसलिए उनके कुल के लोग उन्हें कहने लगे कि यह तो बावरी हो गई है और कुलनासी है। विष का प्याला राणा भेजा, उनके पति जो थे उन्होंने विष का प्याला भेजा था और विष का प्याला जब उन्हें भेजा गया तो पीवत मीरा हाँसी, उन्होंने उस प्याले को हंसते हंसते सहर्ष पी लिया। और लेकिन कृष्ण की भक्ति उनकी ऐसी थी कि उन पर विश्व का कोई भी प्रभाव नहीं हुआ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी, मीरा जी कहती हैं कि मेरे प्रभु तो गिरिधर यानी पर्वत को उठाने वाले श्री कृष्ण हैं और मुझे उसके सहज ही दर्शन हो जाते हैं, अविनाशी यानी जो कभी भी नष्ट नहीं होते हैं और मुझे उनके दर्शन हो गए हैं। इस पद में मीरा पर जो अत्याचार ढाए गए हैं उनकी चर्चा भी हुई है, साथ ही उनके रिश्तेदार परिवार और उनकी जो सासू माँ थी उन्हें कुल कलंकिनी कहती थी उसका भी वर्णन किया गया है। कुल की छवि को उन्होंने उनकी नज़रों में किस प्रकार से मिट्टी में मिला दिया था इसका वर्णन है। साथ ही उन पर विष का प्याला देने का जो अत्याचार किया गया था उसका भी वर्णन किया गया है। कृष्ण के प्रेम में मीरा कृष्णा को नए नए नामों से बुलाती हैं, जैसे नारायण है, नागर है, अविनाशी है। और इस पद में भक्ति रस की अभिव्यक्ति हुई है।
भाषा कोमल है, सुमधुर है और संगीतमय है। ये जो शिल्प सौंदर्य के प्रश्न आ जाते हैं उसमें आप लिखेंगे कि भाषा कोमल है, सुमधुर है और संगीतमय है। भाव सौंदर्य में भक्ति भाव यहाँ पर चरम पर है और मीरा का प्रेम आंसुओं से सींच सींच कर पल्लवित हुआ है और अब मीरा को इसमें आनंद आने लग गया है। इस प्रकार से आप भाषा सौंदर्य में भी लिख सकते हैं कि किस प्रकार से अलंकार का प्रयोग हुआ है, कौन से भाव का प्रयोग हुआ है। प्रश्न कई बार आ जाते हैं जिसमें बहुत ही आसान है कि मीरा को बावरी क्यों कहते थे या मीरा पर किस प्रकार का व्यंग्य किया जाता था, विष का प्याला राणा जी भेजा ये वाला, इसमें कैसा क्या भाव है, उसको पी करके मीरा क्यों हंस रही थी, मीरा जगत को देखकर क्यों रोती है, लोकलाज कोने से क्या अभिप्राय है, इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं। लोग कहें मीरा भई बावरी, न्याते कहे कुलनासी, ये भी मैंने आपको इसका मीनिंग समझा दिया, ऐसा क्यों कहा गया था। उनकी सासू माँ जो थी उन्हें कुलनासी कहती थी, परिवार के कुटुंब के लोग उन्हें कुल का नाश करने वाली कहते थे। तो इस प्रकार से वो संतों के साथ जो बैठती थी उसे कुल मर्यादा के विरुद्ध माना जाता था। कोई भी वक्त हो जब लोग इस तरह से, कोई महिला जब किसी संत के साथ बैठती है तो निश्चित रूप से समाज से ये अलाउड नहीं करता है। लेकिन मीरा जो थी कृष्ण के प्रेम में इतनी दीवानी हो गई थी कि वो सारे दिन संतों के साथ, यानी जो भगत लोग थे कृष्ण को मानते थे, उन्हीं के साथ अपना समय बिताती थी। कुल की कानिका क्या मतलब है यहाँ पर? कुल की मर्यादा यानी परिवार की मर्यादा, क्योंकि मीरा जो थी वो राजकुल की नारी थी और राजकुल की महिलाओं पर बहुत सारे बंधन थे, आम जनता के बीच वो नहीं आ जा सकती थी और मंदिर में नाचना तो सबसे बुरी बात मानी जाती थी। जैसा कि मीरा ने खुद कहा है कि वो पग घुंघरू बांध करके नाचती थी कृष्ण के भजन जब गाए जाते थे, और इस प्रकार से उन्हें कुल की कानी जो थी उन्होंने खो दी थी, लोकलाज सब खो दी थी, यह इस पद में दोनों में बताया गया है। जो काफ़ी अगर देखें तो इसकी उनकी आत्मकथा की तरह से भी हम इसे देख सकते हैं। और कृष्ण को ही वो अपना पति मानती थी, जो उनके सामाजिक पति थे यानी जो समाज की नज़रों में उनके पति थे, राणा जी जो थे उन्होंने उन्हें विष का प्याला दिया था जो उन्होंने हंसते हंसते पी लिया।